कोलकाता की बेहाला चौरास्ता इलाके में बड़ी दुर्घटना घटी और उसके बाद इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जो बड़ीशा हाई स्कूल में पढ़ते थे और क्लास 2 के छात्र थे। उनके साथ उनके पिताजी थे, वो भी इंजर्ड हुए और अस्पताल में गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ बड़ी हादसा, वो बड़ी चौंकाने देने वाली एक इमेज हमारे सामने है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे तीनों बाइक्स है, वो तीनों बाइक्स को जला के राख कर दिया गया है। क्योंकि जब हादसा हुआ, लोकल्स जो स्थानीय वासिंदा है यहाँ के, उनकी जो दावा है कि ये जो ट्रैफिक गार्ड है और ट्रैफिक पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत खराब थी, इसलिए ये जो हादसा, ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ये हादसा की कारण बनी। और उसके बाद से ये बेहाला की चौरास्ता जो इलाका है वो बड़ी गंभीर है यहाँ पे, क्योंकि सारे मिलके प्रोटेस्ट जताए रखे हैं। लोकल स्थानीय वासिंदा जितने हैं वो पुलिस के विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको एक अंदर की चित्र भी दिखा दे कि ये कोलकाता पुलिस डायमंड हार्बर ट्रैफिक गार्ड की ऑफिस है, और ये डायमंड हार्बर ट्रैफिक गार्ड की ऑफिस को भी जलाकर राख कर दिया गया है। और ये जो है तोड़फोड़ की गई, अभी पुलिस की तरफ से यहाँ पे बैरिकेड लगा दी जा रही है, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिस है उस ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया, साथ में जलाकर राख कर दिया गया, और प्रिजन वैन जो है वो प्रिजन वैन जलाई गई। और रास्ते में जो हादसा हुआ उसके लिए पुलिस को दोषी ठहराया गया, और ये लोकल की जो कहना है कि पुलिस की भूमिका जीरो थी वहां पे। कैमरामैन अर्घ घोष के साथ अनिर्बान सिनारो, आज तक कोलकाता।